ये लोक शिकायत निवारण दरभंगा में हम लोग यहाँ पर परिवादियों का लोक शिकायत से संबंधित निवारण करते हैं। इसमें लोग परिवाद डालते हैं और जब लोक प्राधिकार के स्तर से जो संबंधित कार्यालय है उसके स्तर से समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो ये परिवादी यहाँ पर परिवाद दायर करते हैं, ऑनलाइन ही परिवाद दायर होता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये पहल है ये बहुत ही सराहनीय और प्रभावी कदम है परिवाद निष्पादन के दिशा में और निराकरण के दिशा में। और इसमें हम लोग जो है सो एक पूरी टीम काम करते हैं और सभी लोग जो है सो इसमें तत्परता से काम करते हैं। प्रयास ये रहता है कि परिवादी का शिकायत का प्रभावी निराकरण निवारण हो जाए। और इसमें सबसे जो खासियत है इस अधिनियम में कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है, जैसे अन्य कोर्ट प्रोसेसेस में फीस लगते हैं, इस तरह की कोई बात यहाँ नहीं है। एक तरह से ये सस्ते ढंग से जो है सो रिड्रेसल होता है, परिवाद का निराकरण निवारण होता है। दूसरी बात है कि अनावश्यक जो न्यायालय प्रक्रिया है उससे भी यहाँ परिवादी को गुजरने की आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ वकील रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवादी स्वयं आते हैं, अपनी बात कहते हैं और अपने परिवार से संबंधित बातों को लोक प्राधिकार को जवाब देना होता है, वो उन बातों को रखते हैं, बताते हैं कि इस परिस्थिति में अभी तक इनका जो है सो निष्पादन नहीं हुआ है, इनका निराकरण नहीं हुआ, तो फिर यहाँ सुनवाई के पश्चात उनको आदेश दिया जाता है, फिर उसका अनुपालन भी हम लोग करवाते हैं। तो ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है इस प्रदेश में वो एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा। आगे जो राज्य है वह भी इसको देखेंगे, ये केस स्टडी बनेगा जहाँ तक हम समझते हैं। और अभी तक का जो मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पिछले 6 महीने से यहाँ पदस्थापित हूँ, तो बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है। कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो लगता है कि मतलब इसका निराकरण पहले काफ़ी लंबी प्रक्रियाओं से, न्यायालय प्रक्रिया सिविल कोर्ट से हो सकता था या हो सकता मना न्यायालय में लोग जाते, लेकिन वहीं पर यहाँ जब इंस्टेंट उसका रिड्रेसल हो जाता है तो परिवादी को भी संतोष होता है। हाँ, ये बात कुछ है कि हम लोग कुछ कठिनाई अभी भी है जिसमें कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे रैयती मामले के जो होते हैं, रैयती भूमि के विवाद से संबंधित, तो स्पष्ट है कि वो चूँकि टाइटल का मैटर बनता है तो वो सिविल कोर्ट का मैटर है, वो सिविल न्यायालय की विषय वस्तु है, तो वैसे मामले जो है सो हम लोग रेफ़र कर देते हैं कि भाई वहाँ पर परिवादी को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। लेकिन यह सलाह देने से पहले भी हम लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि थाने में जो शनिवार की बैठक होती है अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष के संयुक्त रूप से, तो वहाँ इन बातों को देखा जाए कि इसमें संभावना बनती है कि नहीं, इसको सेटल करने की, विवाद के समाधान की संभावना बनती है कि नहीं। तो यह चीज़ को सुनिश्चित पहले कराते हैं कि अंचल अधिकारी इस बात को देखें कि स्थानीय स्तर पर थाना और अंचल के हस्तक्षेप से विवाद का निराकरण हो सकता है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग परिवादी को ये कहते हैं कि भाई आप जो है सो सिविल कोर्ट में जाएं। सब 3 केसेस आए हैं जी, क्या है सर 3 केस? हाँ, ये 3 केसेस तो अभी जैसा कि आपको पता है, आपने मिला भी उन लोगों से, आप स्वयं उनसे बात किए होंगे तो बेहतर जानते होंगे, लेकिन अभी जहाँ तक हम रिकॉल कर पा रहे हैं उन लोगों का एक मैटर था। एक केस तो वैद्यनाथ मेहता का था, वो काफ़ी जगह आवेदन कर रहे थे, उनके साथ एक फ्रॉड हुआ था, ATM के माध्यम से किसी ने उसका पैसा निकाल लिया था, जो आजकल सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते होंगे। तो इसी को लेकर कोई जहाँ तहाँ थाना में या और भी जगह आवेदन दिया करते थे तो कोई सुनवाई इस तरह की नहीं हो पाती थी, वो FIR करवाना चाहते थे, FIR हो नहीं रहा था, तो FIR नहीं हो रहा था, तो वो जो है सो उन्होंने यहाँ आवेदन डाला। तो आवेदन डालने के बाद ये तो क्लियर कट फ्रॉड का केस था, तो हमने लोक प्राधिकार थाना अध्यक्ष को बुलाया और बताया कि भाई क्यों, इसमें क्या समस्या है, इसको देखिए भाई क्यों। तो अंततः जो है सो वो वहाँ पर मतलब उनका FIR हुआ, आज वो FIR जो है अनुसंधान के करीब ही है जहाँ तक बताए होंगे आपको वो। तो FIR जो है सो थानाध्यक्ष के स्तर से नहीं लिया गया था या क्या, तो यहाँ पर से उनका उसका समाधान का कोशिश की है हम लोग। अनीता देवी हैं, उनका
अनीता देवी का मामला ये था कि बिजली विभाग के द्वारा उनको बिल लगभग 72,000 रुपये का दे दिया गया था। परिवादी इससे व्यथित और मतलब डिसअपॉइंटेड थी और क्षुब्ध थी, तो वो भी गई थी असिस्टेंट इंजीनियर के पास, तो वहाँ पे जो है सो उनको उतने संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिला, वो जैसा था वहीं पर वैसा रह गया। लेकिन वो आश्वस्त थी कि मेरा इतना बिजली बिल नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल मैंने आप आश्वस्त हो लीजिए कि आपने इतना बिजली खपत किया होगा तभी आपको आया होगा, अगर नहीं हमारा बिजली का इतना खपत नहीं, इतना लोड है। तो फिर हमने लोक प्राधिकार को बताया कि इसका लोड चेक करवाइए, दिखवाइए, तो पता चला कि इसके विपत्र में जो है सो तकनीकी रूप से भूल हो गई थी और वह 72,000 का बिल लगभग 8,000 पे आ गया, तो काफ़ी बड़ी राहत मिली परिवादी को। और ये सर गोविंद सहनी वाले, गोविंद सहनी का मामला था कि उसको ट्राईसाइकिल के लिए, वो विकलांग थे, आपने उनको देखा भी होगा, और गोविंद सहनी जो है दिव्यांग थे और पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, तो उनको साइकिल ट्राईसाइकिल के उन्होंने आवेदन दिया हुआ था लोक प्राधिकार के यहाँ जहाँ तहाँ, तो उनको आजकल किया जाता था, इस तरह की बात थी, थोड़ी सी विलम्ब हो रही थी, तो इसी से वो सोच रहे थे कि इसको हम लोक शिकायत में इसको डालें, तो लोक शिकायत में उन्होंने डाला तो उनको ही साइकिल हम लोग दिलवाए। ये सब कुछ मतलब इंस्टांसेज हैं, इसके अलावा भी हम लोग मतलब देखते हैं कि लोगों का प्रभावी निराकरण हो, रियल डिस्पोजल हो, रियल रेड्रेसल हो, इस तरह से।